फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं ना, बहुत ही खूबसूरत सा एलोए कैक्टस है और बहुत ही खूबसूरती से ये बढ़ रहा है। और अब इसका ये ग्रोइंग सीजन चल रहा है, तो इसमें जो छोटे छोटे पब्स हैं वो आ रहे हैं। इसमें एक छोटा प्लांट आ रहा है, तो अब उसे सेपरेट कैसे करें वो मैं आज आपको दिखाऊंगी। तो बने रहिए मेरी वीडियो में एंड तक और देखेंगे कि हम एलोए कैक्टस का जो बेबी प्लांट है उसको सेपरेट करके कैसे छोटे से एक बहुत ही प्यारा सा एक शोपीस बना सकते हैं छोटे से कंटेनर में। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कप में आप कैसे लगाएं, जो हमारे डैमेज हो जाते हैं, जो कप और मग्स वगैरह जो होते हैं वो डैमेज अगर हो जाए तो हम उनको बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से और बहुत ही खूबसूरती से हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो आज एक डैमेज कप का यूज़ मैं आपको बताऊंगी, बहुत इजी है और बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत लगने वाला ये जो प्लांट है कप के अंदर वेस्ट मटेरियल के अंदर वो आप देखेंगे। तो आइए चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये देखिए पानी नीचे से निकल गया है क्योंकि इसके अंदर होल है और पानी नीचे आ गया है, ये देखिए। तो इसमें अब पानी देने से ये नहीं होगा कि आपने पानी ज़्यादा डाल दिया या कम डाल दिया। आप जैसे एलोवेरा में या एलोए कैक्टस में, कैक्टस वगैरह में पानी की कम, बहुत ज़्यादा कम ज़रूरत होती है। और जो इसकी मिट्टी है उसमें मैंने जो है गोबर खाद डाली है, मिट्टी डाली है और थोड़ी सी सैंड डाली है, रिवर सैंड, और थोड़ी सी सिंपल जो मिट्टी होती है वो मैंने डाली है इसमें।
तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है और बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है ये। और इसी तरीके से आप भी बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा एक शो पीस बना सकते हैं किसी भी ऐसे मग से, और जो कॉफ़ी मग्स होते हैं जो डैमेज हो जाएं या फिर जो बेकार आपके हो जाएं, जिनसे मन भर जाता है, तो आप उसी इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं उन चीज़ों को। और ये देखिए बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत सा एक कप लग रहा है आपका, ये देखिए लग रहा है ना बहुत ही खूबसूरत सा। तो मैं यहाँ रख देती हूँ इसे गणेश जी के पास, ये देखिए बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और एक झलक मेरे प्लांट्स की देखिए आप, ये देखिए। और ये मेरे गणेश जी हैं जो हमेशा यहीं रहते हैं, और ये रेडियम वाले गणेश जी हैं। और रात को अगर लाइट हम बंद कर देते हैं तो इसमें एक रेडियम की वजह से ना बहुत ही अच्छी सी एक ब्राइटनेस आती है, वो बहुत अच्छी लगती है। और ये देखिए ये मैंने ग्लास में कुछ सिंगोनियम लगाए हुए हैं पानी में, ये देखिए ये पानी भरा हुआ है, और कुछ ऐसे ही इसमें पत्थर डाले हुए हैं पतले वाले छोटे छोटे से, और वो सिंगोनियम लगा दिया, बहुत अच्छे से चल रहे हैं। ये देखिए एक ग्लास मैंने इधर बनाया हुआ है, ये भी मैंने पानी में ही लगाया हुआ है। और ये देखिए ये तो आप सब देख ही चुके हैं सारे प्लांट। तो फ्रेंड्स अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।